अगर आपके बाल बहुत ही पतले हैं और आप लंबे घने बालों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक की मदद से घने और लंबे बालों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना, और मैनिफेस्टिंग एक ऐसी कला है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने डिजायर को रियलिटी में बदल सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट कहता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को अच्छे से समझते हैं और इसे हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, तब आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। चाहे आप वजन घटाना चाहते हैं या फिर आप अपनी मनचाही नौकरी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक तब काम करती है जब आप अपनी उस भावना, विचार और विश्वास पर फोकस करते हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप अपने स्वस्थ और लंबे बालों के बारे में सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की एनर्जी देते हैं। और अगर आप दिन भर अपने पतले बालों और झड़ते हुए बालों के बारे में सोचते रहते हैं, तब ये नेगेटिव सोच हकीकत में बदलती है और आपके बाल और भी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। चलिए केवल 4 स्टेप्स में समझते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक की मदद से केवल 3 हफ्तों में घने और लंबे बालों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। पहले स्टेप में आपको ये सोचना है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपको क्लियर पता नहीं होगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब तक आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती है। जितना अच्छे से और डिटेल में आप अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं, उतनी ही ज़्यादा चांस है कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। पहले स्टेप में आपको ये सोचना है कि क्या आप लंबे बालों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप घने बालों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप बालों के झड़ने को रोकना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा भी आपकी कोई और इच्छा है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। स्टेप 2, बिलीव दैट चेंज इज पॉसिबल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक का सिद्धांत केवल विश्वास पर टिका है। अगर आपको यकीन नहीं है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक काम करेगी, तो आप भूल जाइए कि आप कभी अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये टेक्निक थोड़ी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि परेशान न होते हुए आपको केवल पॉजिटिव सोचना होता है कि आपकी इच्छा जरूर मैनिफेस्ट होगी। लेकिन जब आप लगातार इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं, तब एक दिन आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। इस स्टेप में आपको अपने दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स को हटाना होता है। अगर आप लगातार खुद से कहते रहते हैं, आई विल नेवर हैव हेयर ग्रोथ, मेरे बाल कभी नहीं बढ़ेंगे, तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आपकी जिंदगी में केवल नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करते हैं। इन नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए आपको हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने चाहिए। आप इस तरह से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम ग्रोइंग माई हेयर टू बी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, मैं अपने बाल लंबे और मजबूत करने के लिए बढ़ा रही हूँ। My hair is healthy and beautiful, मेरे बाल स्वस्थ और सुंदर हैं। I can manifest anything that I want because my thoughts create my reality, मैं जो कुछ भी चाहती हूँ उसे प्रकट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे विचार मेरी वास्तविकता बनाते हैं। I am worthy of having the hair I want, मैं अपने मनचाहे बाल पाने के योग्य हूँ। I will stop comparing my hair to another's hair, मैं दूसरों के बालों से अपने बालों की तुलना करना बंद कर दूंगी। I am so grateful for my beautiful hair, मैं अपने खूबसूरत बालों के लिए बहुत आभारी हूँ। Every day I learn a new way to care for my hair, मैं अपने बालों की देखभाल करने के लिए हर दिन एक नया तरीका सीखती हूँ। My hair grows quickly on my head in every second of my life, मेरे जीवन के हर सेकंड में मेरे सिर पर बाल तेजी से बढ़ते हैं। स्मूथ हेयर स्ट्रैंड्स अलाउ माई फिंगर्स टू स्लिप थ्रू देम, मेरे चिकने बाल मेरी उंगलियों को उनमें से फिसलने देते हैं। ईच डे आई लुक आफ्टर माई हेयर आई नो आई कैन मेक इट बेटर, जब हर दिन मैं अपने बालों की देखभाल करती हूँ तो मुझे पता है कि मैं इसे बेहतर बना सकती हूँ। आई लव माई कर्ल्स आई लव माई वेव्स आई लव माई स्ट्रेट हेयर आई लव माई स्टाइल, मुझे अपने बालों की कर्ल पसंद है, मैं अपने बालों की लहरों से प्यार करती हूँ, मुझे अपने सीधे बाल पसंद हैं, मुझे अपने बालों की स्टाइल पसंद है। जब भी आपको लगे कि आपके दिमाग में अपनी इच्छा को लेकर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तब आप इन पॉजिटिव एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करके इन्हें सच होता हुआ महसूस कर सकते हैं। स्टेप 3, विजुलाइज योर हेयर ग्रोथ।
तीसरे स्टेप में आपको लंबे और घने बालों को विजुलाइज करना है। आपको आंखें बंद करके फील करना है कि जिस तरह के बालों को आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो गई तब आप कैसा महसूस करेंगे। आपको विजुलाइज करना है कि आप कैसा महसूस करेंगे जब आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे जितने आप चाहते हैं। जब आप अपने घने बालों से नई हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं तब आप कैसा महसूस करेंगे। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप एक आईने के सामने खड़े हैं और आपके बाल इतने लंबे और घने हो गए हैं जितने आप चाहते हैं और उसे देखकर आप खुश हो रहे हैं। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप अपने लंबे और घने बालों को ब्रश कर रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से महसूस कर रहे हैं और अपनी उंगलियां उस पर चला रहे हैं। या फिर आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप अपने लंबे और घने बालों के साथ आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। लोग आपके बालों की तारीफ कर रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इस तरह की फीलिंग को महसूस करते हैं उतना ही ज़्यादा आप अपनी इच्छा को एनर्जी देते हैं और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। आपको इस विजुलाइजेशन टेक्निक को हर दिन रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और आपकी कही हुई सभी बातें सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचती हैं। स्टेप 4, टेक पॉजिटिव एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है कि आज आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं और कल से आपके बाल घने और लंबे होने शुरू हो जाते हैं। अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक्शन तो लेना ही होगा। तो घने और लंबे बालों को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या एक्शन ले सकते हैं? आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में इस तरह के बदलाव ला सकते हैं जो आपके बालों की सेहत को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जैसे कि पर्याप्त पानी पीना, अपने सिर और बालों की मालिश करने के लिए नारियल तेल और आर्गन ऑयल जैसे प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल करना, संतुलित आहार का सेवन करना यानी वेल बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करना, अपने बालों पर गर्मी का उपयोग करने से बचना, अपने बालों को रोज धोने से बचना, अपने बालों को नियमित रूप से कटवाना और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचना। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए सोचना है कि आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, जैसे कि किसी को 3 हफ्ते का समय लग सकता है और किसी को 8 हफ्तों में रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन जब आप सही तरीके से इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी इच्छा जरूर मैनिफेस्ट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।